वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ है उसमें हमने अच्छी तरह से बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होती है, कि 1-1 ऑन टू होना फंक्शन का जरूरी है। 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है और क्या कंडीशन है कि हमारा साइन इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इनवर्स एग्जिस्ट करे। उनका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब हम उनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें। सभी बातें मैंने लास्ट जो वीडियो है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें मैंने अच्छी तरह बताई है। ठीक है, उसी के बेस पे मैं रिमाइंड हल्का सा करवा देता हूं। इफ अगर एफ मेरा कोई भी फंक्शन है तो एफ का इनवर्स हम एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं। ये पावर नहीं है हमारी, दिस इज रिप्रेजेंट द इनवर्स ऑफ एफ। तो एफ इनवर्स वाई टू एक्स होता है, यानी कि ये कहलाती डोमेन, ये कहलाती है कोडोमेन। तो कोडोमेन डोमेन बन जाती है, डोमेन कोडोमेन बन जाती है। अगर अंडर एफ अगर एक्स की इमेज वाई है तो अंडर एफ इनवर्स वाई की इमेज एक्स हो जाती है। कहने का मतलब है, मान लो अगर टू की इमेज थ्री है तो थ्री की इमेज टू हो जाएगी। ये है मतलब, यानी कि एफ एक्स अगर वाई है, यानी कि एक्स की इमेज अंडर एफ वाई है तो वाई की इमेज अंडर एफ इनवर्स एक्स होगी। यानी कि यू कैन राइट, मेन अगर हम लिखें एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ, ये मेन हमारा कंसेप्ट है। यानी कि ये कह सकते हो आप, एफ अगर एफ इधर है तो उधर जाएगा, तो इनवर्स में हो गया। एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर ऐसा है तो एफ इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। सिमिलरली दिस इज द सेम विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी साथ सेम है। फर्स्ट है हमारा, इसका मेन जो पॉइंट है नोट करने का, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ले रहा हूं। सिमिलरली कोस के लिए है, टेन के लिए है, कोट के लिए है, कोसेक के लिए है। तो दिस इंप्लाइज, इसी स्टेटमेंट को अगर मैं इनवर्स की डेफिनेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स, इसका मतलब है एक्स की इमेज अंडर साइन वाई है, इसका मतलब ये है। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इसका मतलब है अगर ये होगा तो इससे हमें ये मिलेगा, अगर ये स्टेप है तो ये हो जाएगा, यानी कि साइन इधर आ जाएगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसको मैं इनवर्स वे में लिख रहा हूं, इनवर्स में इसका मतलब साइन इनवर्स, साइन उधर गया, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 6। यानी कि साइन इनवर्स 1/2 वो एंगल होगा जिसके साइन की वैल्यू कितनी है, 1 यहां पे है 1/2। सिमिलरली ये बेसिक है हमारा, साइन एक्स इक्वल टू अगर वाई है तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, अगर cos x इज इक्वल टू cos y तो cos x इज इक्वल टू y है तो cos इनवर्स y इज इक्वल टू x। मतलब बाकी के जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है हमारा। ठीक है, इसको करें अब। प्रॉपर्टीज हमारी स्टार्ट होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है। ये एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। समझ सकते हैं आप, कैंसिल हो गई, कैंसिल करना नहीं है, एक्स आ गया। ये एक्स तभी होता है अगर ये एक्स हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। यह आपको लर्न करना पड़ेगा कि फर्स्ट आप लेक्चर है जो हमारा, उस वीडियो को देखिए आप, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज या कहीं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन क्या होती है। तो x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अगर x इसमें नहीं होगा तो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x जरूरी नहीं है, x ही होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं रिमाइंड करवा देता हूं, जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है मेरा, उसकी जो डोमेन होती है माइनस वन और जो रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये जो रेंज है ये कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच।
रेंज हमारी और भी हो सकती है, ऐसा नहीं है यही हो सकती है रेंज। आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं, इनमें कितने का गैप है इस इंटरवल में, इसकी लेंथ कितनी है, पाई है, ठीक है, पाई है इसकी लेंथ। तो पाई तो नेक्स्ट हमारी पाई बाय टू से लेकर, जैसे पहली होगी पाई बाय टू से लेकर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो नेक्स्ट पाई और ऐड कर दें पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, आगे भी इसी तरह पाई ऐड करते रहे, इधर आएंगे माइनस थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, यानी कि ये भी हमारी रेंज हो सकती है, ये भी रेंज है हमारी, ये भी रेंज है। बट हम इसी को लेते हैं, इसी रेंज को हमने एनसीईआरटी में लिया हुआ है, दिस रेंज इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इनको नहीं कहते, ये सिर्फ रेंज ही कहलाती है, प्रिंसिपल एनसीईआरटी में इसको माना हुआ है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय। सिमिलरली फॉर द अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं सिर्फ, बस हमको इसको लेके चलना है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये नहीं है, ये रेंज है। बाकी वैसे तो तीनों रेंज है हमारी, तीनों क्या रेंज, बट प्रिंसिपल एक ही है, प्रिंसिपल बीच वाली है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा तो हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स की इक्वल होगा। सेकंड, फर्स्ट है कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स क्यों होगा, अगर एक्स हमारा जीरो से पाई, यानी कि हमारी ये आपको रेंज याद करनी पड़ेगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। एंड सोन, एंड सोन का मतलब है टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स की इक्वल होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स एक्स की इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड पे आ गए हम, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स की इक्वल होता है, मैं इसको प्रूव करवा देता हूं, इसका प्रूफ देखिएगा, साइन एक्स इक्वल टू वाई की इक्वल है तो साइन इनवर्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स है, वाई की वैल्यू क्या है साइन एक्स, और किसकी इक्वल आया हुआ है एक्स की इक्वल आया है, आ गया ना भाई, यानी कि यहां पे आप किसकी वैल्यू पुट कर दें y की, तो साइन इनवर्स साइन एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा x की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, साइन अगर इनवर्स अंदर है, आप जो साइन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो x लिखा होता है इसका मतलब है डोमेन में आएगा ये, सिर्फ साइन x है इसका मतलब x के साथ क्या है एंगल, कभी भी इनवर्स के साथ लिखा हो या कोस इनवर्स है तो रियल वैल्यू होगी, साइन या कोस के साथ लिखा होगा तो क्या होगा इसका मतलब एंगल है, ठीक है। ये एक्स ही होता है, और जहां पे एक्स इसकी डोमेन अभी बताई थी मैंने माइनस वन से वन होती है, इसको इतना मैटर करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान देने इतना वो नहीं है, बट इसका आपने लर्न करना है कि हमारा एक्स इसी में आना चाहिए तभी ऐसा होता है, इसका कोई ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है। कोस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, x belongs to minus 1 by 1 से, इसको प्रूव कर देते हैं हम, sin sin inverse x is equal to x, देखिएगा x मेरा कितना sin inverse y, तो sin x x कितना है sin inverse y, पुट करें इसमें y, तो sin sin inverse y किसकी इक्वल आ गया y की, अंदर sin inverse है बाहर sin है, तो x बच गया, एंड सो ऑन, यानी कि दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल करके दिखाना नहीं है एक्स आ गया, ये तो प्रॉपर्टी बहुत आसान है वन और टू वाली। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, मैंने अभी बताया था जहां पे एक्स कहां पे बिलोंग करता है इसके डोमेन में, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है, और टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, प्रूफ मैं एक को प्रूफ कर देता हूं, ये माइनस मैंने पहली वीडियो में बताया माइनस क्यों आता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स तीनों की सिमेट्री होती है, तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है, किसी की क्लोज होती है किसी की ओपन, इसमें माइनस जीरो और होती है, जीरो माइनस हो जाता है क्योंकि कोसेक डिफाइन नहीं होता, तो जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस 90 to 290 होती है तो उसमें माइनस आता है बाहर, ठीक है, उसमें माइनस आता है, फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जाके मैंने बताया हुआ है क्यों आता माइनस, ठीक है। प्रूफ कर रहे हैं हम, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं हम, फर्स्ट
लेट पुट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो माइनस एक्स क्या हो गया, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन वाई हो गया। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई, तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं साइन ऑफ माइनस वाई। तो दिस इंप्लाइज साइन को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई। माइनस को हम इधर कर देते हैं तो ये हो गया हमारा वाई इक्वल टू, ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दिस इंप्लाइज वाई हमारा किसके इक्वल है, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया, जो भी हमने वो करना था। ये हमारी तीन तक प्रॉपर्टी हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर, कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, फर्स्ट पुट कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो दिस इंप्लाइज माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया भाई, कॉस वाई के, तो एक्स क्या हो गया माइनस कॉस वाई, तो एक्स इक्वल टू माइनस कोस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है कॉस पाई माइनस वाई, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो यहां से मैं पाई माइनस वाई निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई, और वाई की वैल्यू देखिए कितनी है, वाई कितना हमारा कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो यहां से हमें कोस इनवर्स माइनस एक्स निकालना है, कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, हमने प्रूव करना था, बाकी के हम वैसे सेम नियम प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, साइन इनवर्स एक्स जैसे कि मैंने बताया कोसेक का किसके साथ होता है, सेक इनवर्स के साथ, और टेन इनवर्स का प्रूफ एक का मैं प्रूफ करवा देता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स पाई बाई टू होता है, कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स पाई बाई टू होता है। एक को हम प्रूव कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो इससे हमें क्या मिला, x इक्वल टू साइन वाई, x इक्वल टू इसको हम साइन वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 90 ला रहे हैं ना, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, समझ आया, यहां पे क्या किया हमने, x निकाला तो साइन वाई हो गया, x एज इज साइन थीटा क्या था, कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस को इधर लाएंगे तो क्या होगा, कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई, और वाई की वैल्यू देख लें क्या हमारी, साइन इनवर्स एक्स, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट फाइव, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स वाई इज लेस देन वन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy इफ xy इज ग्रेटर देन माइनस 1। देखिए ये जो हमने लिखा मैटर करता है, ये
अगर आप एक्स्ट्रा बुक से जाते हैं, ये ज्यादा डिटेल में है, बहुत ज्यादा, इतना हमारा एनसीईआरटी में कुछ आता नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है हमारा, जो एनसीईआरटी तक है सिर्फ वहीं तक आता है कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो दी हुई है। अगर उससे अलग जो हमारी रेंज और भी ले सकते हैं हम साइन इनवर्स की, जैसे हम आरडी बुक में जाते हैं, दूसरी बुक में जाते हैं, वो भी गिवन है हमें, तो इसलिए हमें यहां तक लिमिट रहना है, सिर्फ टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स वाई। फॉर्मूला देखिए इफ यू नो, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है टेन एंगल ए प्लस बी, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, टेन ऑफ एंगल ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी जितने हमारे ट्रिको के फॉर्मूले हैं बस उन्हीं से ये ड्राइव होते हैं हमारे, पुट टेन ए को एक्स, पुट कर दो टेन बी को वाई, तो इससे क्या मिला हमने, पहले हमारा वेरिएबल ए था, अब हमारा एक्स में चेंज हो गया, एक्स निकाल लो यहां, ए निकाल लो, सॉरी ए निकाल लो एक्स की टर्म में, और यहां से निकाल लो बी, तो दिस इंप्लाइज टेन ए प्लस बी था टेन, ए हमारा क्या हुआ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन ए, टेन ए हमारा कितना एक्स। अब देखिए ये टेन उधर जाके क्या बन जाएगा, ये तो एंगल समझा जाएगा ना टेन का, तो ये क्या बन गया टेन इनवर्स, टेन उधर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स हो गया, समझ में आया। देखो x प्लस वाई, इसको x पुट किया इसको y, a x प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, ये आ गया, और ये tan उधर गया तो क्या बन गया tan इनवर्स, जो बचा a प्लस बी, वो a तो हम यहां से निकालेंगे जब पुट करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सॉरी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है ये tan इनवर्स। अब वही सेम फॉर्मूला टेन ऑफ एंगल ए माइनस बी का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सिमिलरली वी कैन प्रूव टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स, ये थोड़ी मुश्किल टाइप की है, टू टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स की स्क्वायर कोस इनवर्स में वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स में टू एक्स बाई वन माइनस एक्स की स्क्वायर, ठीक है, ये मैटर करता है, जैसे कि हमने यहां पे लिखा हुआ है मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 1, अदरवाइज अगर हम ये लाइन कुछ और दूसरे हम ब्रांच में चले जाएं तो कुछ और हो जाते हैं इनके फॉर्मूले, बट हमारे यहां तक है लिमिट हमारी एनसीईआरटी की। फर्स्ट फॉर्म प्रूव कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, टू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखें वी नो साइन, जहां पे भी साइन इनवर्स है तो साइन ऑफ एंगल टू ए का फॉर्मूला याद रखना है, या साइन टू थीटा का, याद है आपको, वी नो साइन ऑफ एंगल टू ए इज इक्वल टू टू टेन ए, बस यहां पे जितने भी फॉर्मूले हैं ये साइन 2a का, यहाँ पे cos 2a का अप्लाई करोगे, यहाँ पे tan 2a का, तो उनमें tan ऑफ एंगल a को आपने x पुट कर देना है, put tan a इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे a निकालेंगे तो क्या आ गया tan इनवर्स x, तो साइन 2a हमारा कितना tan इनवर्स x 2x ओवर 1 प्लस x की होल स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज टू टेन इनवर्स एक्स, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, देखो हमने ये प्रूव करना था ना, टू टेन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स की स्क्वायर। सिमिलरली कोस इनवर्स के लिए हम कोस टू ए, ध्यान से देखो मैं बता देता हूं, देखो कोस टू ए का फॉर्मूला याद है तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला,
फॉर्मूले होते कोसाइन में भी है, बट टेन वाले की बात कर रहे हैं हम। तो टेन ए को एक्स पुट किया तो क्या हो गया, वन माइनस एक्स की स्क्वायर, वन प्लस एक्स की स्क्वायर, और कोस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स की स्क्वायर, वन प्लस एक्स की स्क्वायर। यहां पे क्या बचा, कोस तो चला गया, टेन ए को एक्स पुट किया है टू, और ए को हमने टेन ए को एक्स पुट किया तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगी। सिमिलरली टेन टू ए, टेन में है ना, तो टेन टू ए का फॉर्मूला देखेंगे आप, टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर होता है, तो टेन ए को जैसे कि मैंने बोला आपको एक्स पुट करने हैं, तो टू एक्स वन माइनस एक्स की स्क्वायर, टू एक्स वन माइनस एक्स की स्क्वायर, और टेन उधर जाके क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, और ए तो आप निकालेंगे, आप निकलेगा आपका ए टेन इनवर्स एक्स, तो टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स उधर जाएगा टेन इनवर्स, टू एक्स वन माइनस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, बाकी के दो प्रूफ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेवन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स की स्क्वायर। अब प्लस कीजिएगा माइनस, तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, बाकी सेम है। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, देखो एक्स और वाई जो रियल वैल्यूज है, एक्स और वाई है, यहां पर एक्स वाई मल्टीप्लाई हो गई, इनके अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस इसका स्क्वायर वन माइनस वाई का स्क्वायर, और साइन इनवर्स वालों में एक्स के साथ वाई की स्क्वायर वाला आया था स्क्वायर रूट वाला। ठीक है, कोस इनवर्स में माइनस है तो प्लस है, और साइन इनवर्स वालों में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो बीच में प्लस आ रहा है। अब हम इनको कैसे प्रूव करेंगे, वी नो फर्स्ट को मैं प्रूव कर रहा हूं, साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी साइन ए cos b cos a sin b। ठीक है, हम क्या करते हैं, पुट sin a को हम x पुट कर देते हैं, sin b को y पुट कर देते हैं, sin पुट कर दो या cos पुट कर दो आपकी मर्जी है। cos पुट करेंगे तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे, sin पुट करेंगे तो पहला फॉर्मूला निकालना है हमें तो साइन को पुट करना है, तो ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और यहां से बी साइन इनवर्स वाई, समझ आ गया। तो साइन ए प्लस बी, देखो ए क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन ए, साइन ए क्या पुट किया एक्स, अब कोस बी, साइन बी वाई है, कोस बी निकालना आता है आपको, साइन बी अगर वाई है तो कोस बी आपने लोअर क्लासेस में किया वन माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कोस बी, फॉर्मूले के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो कोस स्क्वायर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर बी, तो वन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस बी वन माइनस वाई की स्क्वायर, कोस ए हमारा कितना है, कोस ए निकालेंगे, साइन ए से आप कोस ए निकाल सकते हो, कोस क्या होता है अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर। देखो बगैर स्क्वायर रूट में तो कोस स्क्वायर आपको पता ही है ना, कोस स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर होता है, बट हमें कोस ए निकालना है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर वन माइनस, और साइन भी कितना है वाई, और ये साइन उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, यहां पे क्या बचा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वन माइनस वाई की स्क्वायर, वाई इंटू वन माइनस एक्स की स्क्वायर, हेंस प्रूफ, यही हमने दिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर एट, प्रॉपर्टी एट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स पी बाई एच कोस इनवर्स बी बाई एच। देखें आपको याद होगा ये साइन थीटा, याद हो पी बाई या सपोज थ्री बाई फाइव है, तो हमें ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा हमें दे रखा है तो हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस निकाल के हम
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद है, 10th क्लास में किया था। अब हमारे पास कोई भी इनवर्स में दे रखा है, सपोज मान लो ये दे रखा है, तो हम इसको साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में या टेन इनवर्स में कोसाइन इनवर्स में हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे देखें, इधर पहले मैं इसको बता देता हूं। देखें इधर साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, और कोस थीटा भी क्या होता है, बी बाई एच। तो यहां से हमें क्या मिला, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स पी बाई एच और थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स बी बाई एच। तो दोनों सेम है थीटा, तो इससे क्या आया, साइन इनवर्स पी बाई एच इक्वल टू कोस इनवर्स बी बाई एच। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स मान लो 3/5 है और इसको चेंज करना है कोस इनवर्स में या टेन इनवर्स में। तो टेन इनवर्स में फॉर एग्जांपल इसको मैं कोस इनवर्स में कैसे चेंज करूंगा, ये हो गया मेरा पी, ये हो गया एच, तो बी क्या हुआ, 3/5 है आपको पता है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो कितना आएगा बेस, 4 आएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 4 आएगा, तो 4 आ गया, 4/5 आ गया। और सिमिलरली मान लो आपको चेंज करना है साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स पी बाई बी, पता ही है टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना 3 है, 4। इस तरह से हमारा ये चेंज हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होता है, कोस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स 1/x कोट इनवर्स x होता है। सिमिलरली हमारा बाकी जैसे कोसेक इनवर्स 1/x हो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, बाकी तीन के भी ऐसे ही आ जाएंगे। एक को हम प्रूव कर देते हैं, फर्स्ट को पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू, फर्स्ट लिख देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पुट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाइज इससे हमें क्या मिला, x इक्वल टू साइन y, और साइन y को लिख सकते हैं आप कोसेक 1/cosec y। अब डिटेल में समझा देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू cosec y तो हुआ ना, हमें कोसेक इनवर्स, कोसेक इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स x y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और y हमने क्या पुट किया था, साइन इनवर्स 1/x, हैंड प्रूफ, ये आपको लर्न करनी है, मैंने 1 एक ही का प्रूफ करवा दिया है।